हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप लोगों के बहुत कमेंट है कि जो हम लिप्पन आर्ट बनाते हैं वो हम मोल्डेड क्ले से बनाते हैं, क्या कोई और ऑप्शन है जिससे हम लिप्पन आर्ट को इजी और अच्छे से बना सकें, जो कि हमारे को रीजनेबल भी पड़ जाए और जो हमारा मोल्डेड क्ले है बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है तो उससे भी हमें थोड़ी निजात मिल जाए। तो आज हम सीखेंगे होममेड क्ले बनाना, जिससे हम बहुत सुंदर लिप्पन आर्ट बना सकते हैं और इस क्ले को आप थोड़ा टाइम भी यूज कर सकते हैं अपने यहाँ रख करके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं होममेड क्ले बनाना। होममेड क्ले बनाने के लिए हमें चाहिए चॉक पाउडर, मुल्तानी मिट्टी जो भींगी हुई है, और ये पेपर जो कि मैंने भिंगोकर पीस कर रखा है। साथ में चाहिए गोंद, तो गोंद को मैंने पानी में भिगो दिया था और उसका ये लिक्विड बन गया है। ये इस तरह का गोंद होता है, उसी को मैंने पानी में भिगो कर रखा है। थोड़ा सा चाहिए वेजिटेबल ऑयल। सबसे पहले लेंगे चॉक पाउडर 2 से 3 स्पून, उसके बाद मुल्तानी मिट्टी भींगी हुई 1 से 1.5 चम्मच, और साथ ही जो हमने पेपर को भिंगो के और पीस कर रखा है वो हम पानी में निचोड़ कर अंदाज से करीबन 3 से 4 स्पून ले लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इसको जितना अच्छा मिक्स करेंगे उतना ही अच्छा हमारा क्ले बनेगा। और अब डालेंगे हम पानी, जो नॉर्मल पानी ना होकर एक गोंद का पानी है, और उसी से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा लिक्विड लग रहा है तो मैंने थोड़ा सा चॉक पाउडर और पेपर का पेस्ट है वो और डाल लिया है। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है फ्रेंड्स। इसे हम जितना ज्यादा मिक्स करेंगे, जितना ज्यादा इसे मैश करेंगे, ये उतना ही अच्छा बनेगा। पेपर मैसी क्ले है जो कि बहुत ज़्यादा पेपर को एकदम मेल्ट हो जाता है तभी ये अच्छा बनता है, साथ ही ये लोचदार बनता है। तो इसे एक दिन बनाने के बाद में आप इस पे थोड़ा सा गोंद का पानी लगा कर के रख दीजिए और उसके दूसरे दिन फिर से इसको ऐसे ही गोंद का पानी लगा के करिए, तो आपका क्ले बहुत अच्छा बनेगा। और अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा ऑयल लेकर हाथ पर और इस तरीके से इसका हम एक डो बना लेंगे, और आप देख सकते हैं कितना फाइन डो बना है, जबकि मेरा भी थोड़ा सा कम मैश हुआ है। अगर मैं इसको कल बनाऊंगी तो ये और अच्छा बनेगा। किले को हम इस तरह की चैनल वाली पन्नी में रख सकते हैं और ये जो है कम से कम 1 मंथ तक हम इसे संभाल के रख सकते हैं। अगर ये ड्राई हो जाता है तो हम इसे दोबारा भी यूज कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। किसी भी वुडन पर, चाहे वो MDF हो, चाहे वो प्लाई हो या फिर कार्डबोर्ड हो, हम तीनों पर इसका यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा फेविकॉल लगाएंगे और उसके बाद में हम इस तरीके से किले को लगा लेंगे। सबसे अच्छी बात ये है कि इस किले से हम जो लिप्पन आर्ट बनाते हैं वो एक्चुअल नाट की तरह दिखती है, बिल्कुल ब्लेज वाली। क्योंकि हम जो आजकल क्ले से बना रहे हैं उससे तो थोड़ा गोल गोल आता है और हमें प्रेस करके नहीं उसको करना पड़ता है। जैसे हमें फ्लैट चाहिए तो फ्लैट, जैसे मैंने अभी वीडियो में बताया था गणेश जी वाली में, कि इस तरीके से अगर बनाना है तो हमें क्ले को कैसे फ्लैट करना है। लेकिन जब हम इस वाले डो से बनाते हैं तो आप देख सकते हैं कि उसी तरीके का बनेगा जो कि हम चाहते हैं। हम इसे जैसा चाहें वैसा इसे ढाल सकते हैं। ये आप देख सकते हो थोड़ा सा ये जो किले है अभी ताजी ताजी बना है, तो थोड़ा सा ये एकदम से मिक्स नहीं हुआ है, लेकिन आप एक दिन रखने के बाद दूसरे दिन यूज करेंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। बस इस तरीके से हम अपने किले को लगाते जाएंगे और हल्का सा पानी का हाथ लगा के सेप देते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि इसकी जो नीचे से जो शाइनिंग है, जो किनारी है, वो कितनी परफेक्ट है। इसके जब हम फ्लावर बनाते हैं तो थोड़ा अलग तरीके से बना सकते हैं, जैसे मैंने ये बनाया है। इस किले की सबसे अच्छी बात ये है फ्रेंड्स, इसको जिस शेप में आप ढालना चाहेंगे ये उस शेप में ढल जाएगा। बस हल्का सा पानी लगा करके नहीं हम शेप देते जाएंगे, और आप इससे एक 3D फ्लावर बना सकते हैं उठे हुए, यानी कि जैसे कि हम अगर किले से बनाते हैं तो उसका अलग तरह का लुक आता है, और जब इस वाले किले से हम कोई फ्लावर बनाते हैं तो उसका लुक बिल्कुल अलग आता है। अच्छा, इस पे मिरर लगाने का प्रोसीजर भी बहुत अलग है, तो मैं आपको आगे बताती हूँ। हाँ, थोड़ा सा इस किले को यूज करते वक्त हमारे हैंड्स थोड़े गंदे रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो मुल्तानी मिट्टी और चौक पाउडर है वो हमारे हाथ पे एक पाउडर के फॉर्म में लगता जाता है। तो इसके अंदर जब हम मिरर लगाते हैं तो इसके अंदर ऑलरेडी पेस्ट के अंदर गोंद है, और आप इसके ऊपर जब मिरर रख देते हो और थोड़ा सा प्रेस करते हो नीचे की साइड, तो आप देख सकते हैं कि उसका लुक एकदम अलग आता है। जो हमारा फ्लावर है उसका लुक बिल्कुल बदल गया है।
वैसे हम ऊपर से मिरर लगाते हैं, लेकिन इसके अंदर आप इस तरीके से मिरर लगाते हो तो बहुत प्यारे लगते हैं। जो एक्चुअल लिप पनाट बनती है उसके अंदर भी इसी तरीके से मिरर लगाए जाते हैं, जो हम मिट्टी से बनाते हैं, और मिट्टी भी इसी तरीके से तैयार की जाती है। बस गोंद और पेपर को मैश करके और मिट्टी को बहुत ज्यादा फाइन किया जाता है और इसी तरीके से मिट्टी तैयार की जाती है। तो हमने भी आज एक होममेड के लिए बनाया है, बहुत ईजी है। घर में मिलने वाला सामान है, मुल्तानी मिट्टी है, चौक पाउडर है, ये हमें मिल जाता है आसानी से। आजकल ऑनलाइन भी बहुत अच्छा मिल जाता है, तो आप इस तरीके से अपने लिए के होममेड के लिए बना सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स किस तरीके से हम होममेड के लिए बना सकते हैं। मैंने ये अभी आप ही के सामने ये किले बनाया है, थोड़ा सा गीला है इसलिए ज्यादा इसको हैंड्स नहीं लगा पा रही। आप देख सकते हैं कि ये जो किले है इससे हमारा जो आर्ट है बिल्कुल एक्चुअल लिप्पन आर्ट की तरह बनेगा। यानी कि जो हमारी ये साइडें हैं बिल्कुल प्रॉपर जैसे नीचे दबाकर हम बनाते हैं वो बनेंगी, गोल गोल ना दिख करके नहीं, एक एक्चुअल लिप्पन आर्ट जो मिट्टी से बनाते हैं जिसको हम फिंगर से इस तरीके से प्रेस करके बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आप इससे बना सकते हैं। दूसरी बात, आप इस तरह से फ्लावर बना करके नहीं उसके बीच में मिरर लगा सकते हैं। हम जब क्ले से बनाते हैं तो हमारा जो ये एक्चुअल वाला जो डिजाइन है वो क्ले से नहीं आ पाता, लेकिन इससे आप देख सकते हैं कि उठे हुए यानी कि 3D में हमारे फ्लावर बन सकते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। दूसरी बात, इस क्ले को आप थोड़ा टाइम यूज कर सकते हैं, जैसे कि महीने भर आप इसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और है, जब आपका ये ड्राई हो जाए तब आप इस तरीके से अपने गोंद का पानी बना लीजिए और इसको इस पानी के अंदर हल्का हल्का हाथ लगाते रहिए। थोड़ी थोड़ी देर बाद जब ये गीला होता जाएगा तो आप देखेंगे ये दोबारा से तैयार हो जाएगा हमारा बर्फ करने के लिए। यानी कि अगर ये ड्राई हो गया है उसके बाद भी आप इसे यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट चाहो तो इस पानी में डाल दो, थोड़ा सा ये पानी को जब एब्जॉर्ब करेगा, जब ये पिएगा तो आप देखोगे कि उसके बाद में ये सॉफ्ट होता जा रहा है। तो ये किले को आप एक बार बनाने के बाद दोबारा से यूज कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं। हाँ, एक बात और कि अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ने इसके अंदर गोंद क्यों मिलाया है, फेविकॉल भी तो मिला सकते थे। बिल्कुल, फेविकॉल मिला के भी बना सकते हैं, लेकिन जो फेविकॉल का किले होगा वो आप 2 से 3 दिन यूज कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि जो फेविकॉल होता है वो ड्राई होने के बाद में एक ट्रांसपेरेंटी लेयर बना लेता है और उसके बाद अगर हम उसे पानी में चाहें तो डाल भी दें तो उसके बाद में लिक्विड फॉर्म में तो नहीं आता। लेकिन गोंद एक ऐसी चीज है कि अगर आप इसको वापिस पानी में डालते हो, जैसे मेरा ये गोंद था मैंने इसी को पानी में डाला लेकिन लिक्विड फॉर्म में आ गया, अगर ये रखा रहेगा तो ऐसा ही रखा रहेगा, सूख जाएगा, लेकिन दोबारा पानी डालेंगे दोबारा लिक्विड हो जाएगा। इसी तरीके से ये पेस्ट में गोंद डालने से हम इसे बार बार यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे कई कमेंट आते हैं कि आप इस वाले किले से लिप्पन आर्ट बना सकते हैं क्या। अगर आप इस किले से लिप्पन आर्ट सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मैं आपके लिए इससे लिप्पन आर्ट का वीडियो लेकर आऊंगी। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस पेस्ट को बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए। एक बार पेस्ट बन गया है तो थोड़ा देर तक उसको मसलिए, यानी कि जो हमारा पेपर है वो अच्छे से मैश हो जाए, बस उसके बाद देखिए आपका कितना प्यारा किले बन जाएगा और बहुत ही सुंदर सुंदर आप आर्ट बना सकते हैं। सिर्फ इससे आप लिप्पन आर्ट ही नहीं बना सकते, और भी कई सारी चीजें बना सकते हैं। अगर मैंने बनाई तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएंगे और आप नई नई आर्ट सीख सकेंगे। चलिए मिलते हैं एक नई आर्ट के साथ, बाय बाय।